नमस्कार आप देख रहे हैं द ट्रू हन फॉर द पीपल बाय द पीपल अपना घर होने के लिए हर किसी की चाहत होती है पहले जब एक इंसान अपनी जमा पूंजी के साथ एक बिल्डर के पास जाकर घर खरीदने पहुंचता था तो कई बिल्डर्स के साथ डील करने पर उसे धोखा भी खाना पड़ता था तो इस धोखाधड़ी से आम नागरिक को बचाने के चलते दो में रेरा नाम का एक्ट पास किया गया जिसे फुल फॉर्म में कहते हैं द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, which is the act of the Parliament of India which seeks to protect. होम बायर्स एज वेल एज हेल्प बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुई रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने का आज काम करती है तभी आज जब हम किसी कमर्शियल या रेजिडेंशियल यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते समय रेरा अप्रूवल के बारे में जरूर इंक्वायर करते हैं क्योंकि अब बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट की नींव रखने से पहले अथॉरिटी से रेरा अप्रूवल लेना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अब आपको बताते हैं ये एक्ट कहता क्या है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट विच स्टार्ट विदेंसमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एस्टेटेट एंड रियल एस्टेट एजेंट फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एलोटीज और साथ ही इसके अलावा वेरियस ऑफेंसिस पेनल्टीज जैसी और भी अन्य चीजों पर स्क्रूटनी कर प्रोजेक्ट की जेन्युननेस को डिफाइन करता है ताकि कंज्यूमर्स को किसी लॉस का सामना ना करना पड़े और साथ ही बिल्डर किसी तरीके का धोखा ना कर पाए कंज्यूमर्स के साथ ऑनलाइन सोर्सेस के मुताबिक 10 मार्च 2016 को राज्यसभा और फिर 15 मार्च 2016 को लोकसभा में ये बिल पास होने के बाद एक मई दो को विद सिक्सटी ऑफ नाइन्टी सेक्शन के साथ नोटिफाइड किया गया जिसके बाद एक मई 2017 को इसके बाकी प्रोविजन को भी इन्फोर्स कर दिया गया जिसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से लाइबल हो गई रेरा एक्ट टू कि डिवाइड किया गया है 10 92 में। जिसके चलते आज ये एक्ट मदद करता है होम बायर्स की विद पुटिंग कंडीशन ऑन बिल्डर्स जैसे कि द एक्ट प्रोहिबिट्स अनअकाउंटेड मनी फ्रॉम बीइंग पंप्ड इनटू द सेक्टर and as of now, 70% of the money has to be deposited in bank accounts through cheques compulsorily. a major benefit for consumers included in the act is that builders will have to quote prices based on carpet area and not on super build-up area. and further, the act states that the carpet area include usable spaces like kitchen and toilets. under rera, it is also mandatory for the builders to disclose the carpet area. जाता है कि रेरा एक्ट के आने से होम बायर्स या कमर्शियल बायर्स को मिली है राहत की सांस और साथ ही देखा जा रहा है रियल एस्टेट के सेक्टर में एक अलग ही भरोसा यह थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से